हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एक इंडक्शन डोसा रोटी तवा जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। उसे वहाँ उसका प्राइस कुछ 950 था और टैक्स मिला के मुझे ये 1050 रुपीज़ में मिल गया। तो ये ऐसे कुछ पैकेजिंग में आया है, करोटे के डायरेक्ट ब्रांडिंग बॉक्स में आया हुआ है। और तो हम इसे फटाफट अभी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो मैं बहुत दिनों से एक अच्छा रोटी तवा ढूंढ रही थी, डोसा तवा ढूंढ रही थी। तो मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी रिसर्च किया, तो उसमें से मुझे ये वाला कुछ अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। अभी देखते ही ये कैसा निकलता है। यहाँ पे दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो मैंने वाइट मंगवाया है और एक ब्लैक कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए, आप ब्लैक लिख सकते हैं। और एक व्हाइट के साथ ये भी डाउट है कि जब हमारे तवा अगर ज़्यादा जल गया तो मे बी वो स्टेन छोड़ देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऐसा कुछ हमारा तवा है और बस उतना सा ही है बॉक्स में। तो अभी हम इसे फटाफट खोल लेते हैं। तो ऐसा कुछ इसका हैंडल है और ये तवे का बेस है। और ये इंडक्शन फ्रेंडली है और ये दो साइज़ में अवेलेबल है, 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का मंगवाया है और ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो आप अगर आपको थोड़ा बड़ा चेयर चेयर चाहिए तो 28 सेंटीमीटर का ले लीजिए। और ये इसका हैंडल काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी मॉडर्न दिख रहा है। इसका पूरा ओवरऑल लुक काफ़ी मॉडर्न है। आई एम नॉट श्योर ये वुडन का है या प्लास्टिक का है, बट ये फील वुड जैसा दे रहा है, तो ये हीट नहीं होगा हैंडल। और ये हमारा 24 सेंटीमीटर का जो बेस है वो तवा है और ये पूरा फ्लैट इसका बेस है। तो कुछ फ्राइंग पैन ऐसे थे जिसमें जो फ्लैट नहीं रहते, बट ये पूरा फ्लैट है। तो आप अगर बीच में बैटर डालोगे तो वो साइड में गिरेगा नहीं, फ्लो नहीं होगा। और ये इसका बेस है जो इंडक्शन फ्रेंडली है, तो इंडक्शन गैस आप सब पे इसे यूज़ कर सकते हो। और ये ग्रेनाइट ग्रेनाइट तवा है, लाइक ग्रेनाइट की कोटिंग हुई है इस पे, नॉन स्टिक पैन ही है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर लेना। थैंक यू।